होम्योपैथिक रेमेडी नेट्रम्यूल ट्राइब्यूरेशन एंड डाइल्यूशन आर यूज्ड ऑफ दिस रेमेडी पर्टिकुलरली एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी ऑफ होम्योपैथी. सो नेट्रम्यूल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी एंड यू नोट डाउन द नेम ऑफ द ड्रग नेट्रम्यूल. इट इज एक्चुअली इन मार्केट अवेलेबल इन ट्राइकुलेशन और इन डाइल्यूशन. सो बोथ कैन बी यूज, आइदर ट्राइकुलेशन कैन बी यूज और डाइल्यूशन कैन बी यूज. सो बोथ कैन बी यूज. आई एम डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी फ्रॉम कनक पॉली थेरेपी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर एंड आई एम बिफोर यू. आज मैं आपको नेट्रम्यूल होम्योपैथी की जो दवाई है उसके बारे में बता रहा हूँ. और इसे लिख लीजिए, ये इसकी स्पेलिंग है NATRUMYUL. और इसकी पावर जो इस्तेमाल करते हैं वो करीब 30 पावर की या 3x की जो ट्राइकुलेशन होता है उसको इस्तेमाल करते हैं. और ये बहुत ही बेहतर किस्म की दवाई है. और इसको जो इस्तेमाल करते हैं वो यूज करने का जो मरीज होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है कि उसका किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किस तरीके की उसके शरीर की बनावट होती है, इसके बारे में बताया गया है कि जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन होता हो, यानी जिनको मेट्रोरेजिया की तकलीफ हो या जिनको बहुत अधिक मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता हो उनके लिए, तथा उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने सेक्सुअल इंटेलिजेंस से अपना शरीर ख़राब कर लिया है. तो यानी ये कहने का मतलब है कि जो शरीर के वाइटल शरीर को नरिश करने वाले जो भी पदार्थ हैं अगर उनका बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज किया जाएगा या उनका बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा तो इस तरीके की तकलीफें होती हैं. और इससे जो मानसिक रोग हैं इन कारणों की वजह से, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है या बहुत ज़्यादा वो सेक्सुअल इंटेलिजेंस हुआ है और उसके कारण से अगर मानसिक रोग पैदा हो गए हैं तो उसमें यह औषधि बहुत काम करती है. ये दवा उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो बहुत दुबले पतले हैं और जिनकी हड्डियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिनको सब कहते हैं कि सीखिया पहलवान है, बिल्कुल सीख सलाई पजले इलाही वाली बात है, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है. और ऐसे लोगों के लिए भी है जिनका शरीर का गोश्त या जिनके शरीर की मसल्स कमज़ोर होती चली जा रही हैं और जो भी अच्छा खासा खाते पीते हैं उसके बाद भी उनके शरीर के अंदर चर्बी नहीं चढ़ती है, तो ये दवा नेट्रम्यूल ये बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद है. नेट्रम्यूल के बारे में मैं बता दूं कि ये वही नमक है जो हम लोग खाते हैं रोज़ाना भोजन में, जिसका सेवन करते हैं, ये वही कॉमन साल्ट है. और इसको पोटेंटाइज करके जो इसके एटॉमिक विघटन होते हैं उससे ये दवा और ज़्यादा शक्तिशाली बन जाती है. तो इसका जो एटॉमिक विघटन होता है उसके कारण ये सब जो शक्तियाँ उसकी हिडन पावर होती हैं कॉमन साल्ट की, वो दवा के रूप में ही इस्तेमाल होती हैं. और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवा है जिनको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा लग जाती, बड़ी जल्दी जल्दी लग जाती, जरा सा मौसम बदला सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, नाक बहने लगे, इस तरीके की सब ये बातें पैदा होती हैं. ये दवाई उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जो चिड़चिड़े हैं, जरा सी उनकी तरफ देख लीजिए तो वो चिड़चिड़ाने लगते हैं और उनका नेचर जो है जो चिड़चिड़ाने वाला है उसमें ये नेट्रम्यूल बहुत अच्छी
दवा काम करती है और ये बड़ी जल्दी जो है वो रोने लगते हैं, बच्चे जो है बहुत जल्दी रोने लगते हैं। और ये दवाई उनके लिए भी है जो अपनी बात कहते कहते हमेशा जो है वो इमोशनल मूड में होते हैं, जरा सी भी कोई बात हुई तो रोने लगते हैं। हम लोगों के सामने बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जो अपनी बात भी पूरी नहीं कहने लगते और रोने पहले लग जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये दवा बहुत ही मुफीद है। हम लोग समझ जाते हैं कि इसको इस तरह की दवाइयों की ज़रूरत है, हालांकि उन दवाइयों के ग्रुप होते हैं, इन सब दवाइयों के ग्रुप है, खाली यही अकेली एक दवा नहीं है जो इसमें काम आवे। इसके लिए और भी दवाइयाँ हैं, तो वो मानसिक जो उनके अंदर उत्तेजना होती है या जो इमोशनल उनकी बैकग्राउंड बनती है उसमें भी यह दवा बहुत फ़ायदा करती है। क्योंकि जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का जो रेशियो है वो कुछ ना कुछ बिगड़ा जरूर होता है, उसको ये रेमेडी नेट्रम्यूर उसको सही कर देती है। इसके अलावा जो माइग्रेन है या हेडेक है जिनको सवेरे से लेकर के और शाम तक सूर्यास्त सूर्योदय होने से और सूर्यास्त तक जो है वो सरदर्द बना रहता है, उन लोगों के लिए बहुत मुफीद दवा है। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जिनको कि खांसने में ये लक्षण है उसके नेट्रम्यूर के, तो इसलिए लक्षणों के हिसाब से ये इंडिकेटिव रेमेडी हो जाती है उनके लिए। जो खांसते हैं, खांसते खांसते जिनके आंसू निकल आते हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी दवा है। अब इसका भी एक फिनोमेना है कि ये क्यों होता है ऐसा, खांसने के आंसू क्यों निकलते हैं। उसका कारण ये है कि गले से और नाक से जो संबंध है ये उसकी वजह से होता है। और नेट्रम्यूर इसकी एक दवा हो सकती है ऐसी तकलीफों की। इसके अलावा जो एक अनुभूति होती है लोगों को कि उनकी जो जब वो पाखाना करने जाते हैं तो उनकी जो रेक्टम की मसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं और पाखाना नहीं निकल पाता है और उनको बहुत दिक्कत होती है उसमें, उसके लिए ये बहुत अच्छी दवा है। हालांकि उसको पैथोफिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के हिसाब से देखा जाएगा तो उसमें जो रेक्टम की तीन मसल्स होती हैं उनमें से कोई भी एक मसल्स या दो मसल्स या तीन मसल्स तीनों उसमें इनएक्टिव हो जाती हैं तो इस तरीके की दिक्कत होती है। नेट्रम्यूर जो उसको दूर करती है। अब ये कैसे दूर करती है इसके बारे में मैं आपको फिर किसी अपने किसी वीडियो कास्ट में बताऊंगा। और एक बात और है कि जो जो इम्पोटेंसी जिनको होती है कमर में या स्पाइनल कार्ड में, अगर कोई चोट लग जाए गिर जाए या उसकी वजह से कोई दिक्कत हो इम्पोटेंसी पैदा हो जाए, उनके लिए भी ये दवाई बहुत अच्छी है क्योंकि ये उस बाधा को दूर करने में सफल होती है। और ये उनके लिए भी बहुत अच्छी दवा है जिनको यूट्रस बाहर या ऐसा लगता है कि उनको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है और यूट्रस बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसे बहुत से महिलाएं हैं जिनको इस तरह की अनुभूति होती है और उनका यूट्रस बाहर भी आ जाता है, ऐसा मैंने देखा है। दूसरों डॉक्टरों से भी मैंने डिस्कस किया है, उन्होंने भी ऐसे ही अनुभव किया है। तो जिनको इस तरीके की दिक्कत हो वो इसका सेवन करें तो उनको फायदा होगा। और जिनको हाथों में, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में ये मस्से हो जाते हैं, जो छोटे छोटे वार्ट्स हैं ये हाथ में यहाँ पर हैं या इधर हैं, वो सफ़ेद रंग के या काले रंग के या लाल रंग के मस्से जैसे ये सब निकल आते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी दवा है। और जिनको सपने बहुत आते हैं, जैसे उनको लगता है कि वो घर के अंदर जो है वो चोर घुस आए हैं,
बहुत से लोगों को ऐसी अनुभूत होती है कि घर के अंदर शोर होता है, उनकी वजह उसके उसके धड़के की वजह से, उसके सोचने की वजह से उनकी नींद उड़ जाती है कि कहीं चोरी ना हो जाए सामान की और कुछ है। ऐसे लोग अगर वो सपने देखते हैं या सोचते हैं तो उनके लिए भी ये एक अच्छी दवा है। और जो एलर्जी है, एलर्जी में भी ये बड़ी अच्छी दवाई काम करती हैं। तो सिर में चक्कर है या सिर में जो ऐसा लगता है कि घुटनी ऐसी आ रही है और गिर पड़ेंगे, उनके लिए ये बहुत बेहतर मेडिसिन है। एक बात और है, जो लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, जैसे घर में सब लोग भोजन जब बनता है तो भोजन बनने के साथ साथ सब लोग भोजन वो एक जैसा खाते हैं, सबको नमक ठीक लगता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि नमक कम है, वो अलग से एक्स्ट्रा साल्ट ले लेते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, अगर वो एक्स्ट्रा साल्ट खाते हैं, अलग से नमक ले करके खाते हैं और बहुत ज़्यादा ज़्यादा ले कर खाते हैं, उनको कोई भी बीमारी हो गई हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हुई गई हो, चाहे वो डायबिटीज की हुई गई हो, चाहे वो उनको ल्यूकोडर्मा की हो गई हो, चाहे वो जोड़ों के दर्द की हो गई हो, चाहे वो मांसपेशियों की कोई प्रॉब्लम हो, अगर वो एक्स्ट्रा साल्ट खाते हैं तो उसके लिए ये दवा बहुत अच्छी है। और उनको जो एक्स्ट्रा साल्ट है वो नमक उनका बंद करा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक आदत है। अलग से नमक खाने से शरीर की जो केमिकल केमिस्ट्री है वो बिगड़ती है। ये दवा नेट्रम्यूर उसको कम करती है, और उसको जो इस तरीके की आदत होती, जो इच्छा होती है कि हम और ज़्यादा खाएं, वो इच्छा उसकी सामान्य बना देती है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए ये दवा अच्छी है। हालांकि इसके अलावा भी और होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में ज़्यादा नमक खाने से पैदा बीमारियों के लिए और बहुत सी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये उनमें से एक है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने भी रोग हैं, जितने भी रोग होंगे, शारीरिक रोग होंगे, वो सवेरे 10 से 11 के बीच में बढ़ते हैं, ऐसा देखा गया है। और जो समुद्र के किनारे रहते हैं या जाते हैं वहाँ पर, तो समुद्र के किनारे जाने से या समुद्री हवा से ये तकलीफ बढ़ जाती है, शारीरिक तकलीफ बढ़ जाती है। आपको ध्यान होना चाहिए कि समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा नमक होता है, और वहाँ से जो हवा इवेपोरेट होकर के आती है उसमें नमक मिला होता है, तो जब नमक शरीर में लगेगा तो उससे तकलीफ बढ़ती है। और जो सूरज की गर्मी है, जैसे धूप में बहुत तेज़ धूप में निकले, या जो चूल्हे की जो गर्मी है उससे तकलीफ बढ़ती है, तो बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो उससे दूर रहते हैं या कुछ रख लेते हैं ताकि उनको ज़्यादा आँच न लगे। और उन लोगों के लिए भी ये दवा बेहतर है जिनका मानसिक श्रम करने से उनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, दिमागी काम करने से उनको बढ़ जाती है, बातचीत करने से उनकी तकलीफें बढ़ती हैं, लिखने से भी उनकी तकलीफें बढ़ती हैं, पढ़ने से उनकी तकलीफें बढ़ती हैं, और लेटने से भी उनकी तकलीफें बढ़ती हैं। अगर ऐसे किसी तरीके की मोडलिटीज हो तो उस रोगी को नेट्रम्यूर दवा फ़ायदा करती है। अब इस दवा से जो एमेलोरेशन है, इसको तो अभी एग्रावेशन का बताया कि सब कारणों से तकलीफें बढ़ जाती हैं, लेकिन जो एमेलोरेशन है, बहुत सी ऐसी स्थितियां होती हैं जिनसे कि रोग घटता है या तकलीफें घटती हैं, तो वो अगर है तो उसके लिए भी ये दवा मुफीद है। एक तो खुली हवा में, अगर ओपन स्पेस में आते हैं या ओपन जगह पर कहीं बैठते हैं, वहाँ पर अगर बैठने से कोई सारी तकलीफें या कुछ तकलीफों का कुछ हिस्सा ठीक होता है, तो ये दवा उसके लिए मुफीद है। ठंडे पानी से नहाने से, अगर ठंडे पानी के नहाने से तकलीफें कम होती हैं तो नेट्रम्यूर उसकी दवा है। अगर अनियमित भोजन करने से ठीक है, जैसे आज
सवेरे खाया, कल जो है दोपहर में खाया, परसों शाम को खाया, अगर अनियमित भोजन करने से तकलीफ जो है कम होती है तो भी ये दवा फायदा करेगी। दाई ओर लेटने से अगर दाहिनी तरफ का दाहिनी करवट अगर लेटने से तकलीफों में कमी आती है, कोई भी तकलीफ है वो उसमें कमी आती है। बहुत से लोग दाहिनी तरफ सोते हैं, उनको लगता है कि उसके तरफ सोने से उनको बहुत आराम मिलेगी, तो ऐसे लोगों को दाहिनी ओर लेटने से जो तकलीफें होती हैं उनकी कम होती हैं, उनको बहुत सुकून मिलता है, मानसिक सुकून भी मिलेगा, शारीरिक सुकून भी मिलेगा। लेकिन अगर वो पीठ की तरफ लेट के सोएंगे तो उनको दिक्कत होगी, या बाईं कर्मठ अगर लेटेंगे तो उनको दिक्कत होगी। तो जो दाहिनी तरफ दाहिनी कर्मठ लेटते हैं उनको अगर इससे आराम मिलती है तो ये दवा उनके लिए फायदेमंद। तो ये एक शॉर्ट में नटसेल में मैंने आपको नेट्रम्यूल के बारे में बताया है। और ये नेट्रम्यूल जो औषधि है ये इसको लिख लीजिए, इसका जो स्पेलिंग है ये कॉमन साल्ट से बनी है, और इसकी जो पोटेंसी है वो या तो 3x में इस्तेमाल करते हैं या 30 में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबसे सुरक्षित जो पोटेंसी है जिससे कोई तकलीफ बढ़ती नहीं है वो 3x या 30 है। तो इन दो में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी सबसे सुरक्षित जो खुराक है वो दिन में एक बार है। आप दिन में कोई भी व्यक्ति एक खुराक इसकी दवा खा सकता है, 3x है उसकी 3-4 गोलियां खा लीजिए, या 30 है तो उसकी 5 बूंदे थोड़े पानी 2 चम्मच पानी में मिला के उसको पी लीजिए और एक बार खाली खाइए। ये सबसे सुरक्षित दवाई है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, किसी तरह का कोई शारीरिक नुकसान नहीं है। जैसा कि लोगों के अंदर भ्रम है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ नुकसान करती हैं, तो अगर आप सुरक्षित तरीके से होम्योपैथी की दवा खाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जो ये भ्रम लोग पाले हुए हैं जो होम्योपैथी के खिलाफ सब बोला करते हैं, वो भ्रम आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस तरीके से सुरक्षित तरीके से दवा खाएंगे तो आपको फायदा तो होगा ही, तो उससे आपको विश्वास भी बढ़ेगा। हमारे रिसर्च सेंटर कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बरसन बाजार कानपुर में सभी तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरीके की हो। और इसमें हमारे यहाँ जो अवेलेबल आयुर्वेद की ETG आयुर्वेदा स्कैन परीक्षण की सभी विधियाँ, आयुर्वेद का रक्त परीक्षण की सभी विधियाँ और आयुर्वेद के मूत्र परीक्षण की सभी विधियों के आधार पर और दूसरे अन्य परीक्षणों के आधार पर हम पहले ये निश्चित करते हैं कि रोगी को किस तरह की बीमारी है और उसको कैसी दवा चाहिए। तो उसी हिसाब से आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, इन सभी चिकित्सा विधियों का इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेटेड इलाज की व्यवस्था करते हैं। और वो क्रॉनिक बीमारियां जो इलाज कराते कराते लोग परेशान हो जाते हैं, उनको नहीं सूझता है कि वो क्या करें, तो हमारे यहाँ के बारे में उनको सबको बताएं, जानकारी दें। और हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और दूसरों को भी बताइए, उनको ये हमारे वीडियोज हैं उनको भी आप बताइए। और आपको धन्यवाद।